بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Myself Dr. Sara Zulfiqar. Today we will discuss first year MBBS guidelines biochemistry. The topic is vitamins and minerals. Basically ये दो अलग अलग topics हैं, लेकिन इनको compile करके आज हम ये guidelines share कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली विटामिन्स एंड मिनरल्स दे आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो इन दोनों को साथ ही रिलेट करके पढ़ा जाता है, इसलिए इनकी गाइडलाइन भी इकट्ठी बनाई गई. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बिगिन विद टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस. और जो फर्स्ट ईयर में जो हमारे बायोकेमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनमें से एक विटामिन्स है. और विटामिन्स की काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, आप इसकी क्रॉस से देख सकते हैं दैट देयर आर 7 एमसीक्यूज एंड 1.5 एससीक्यू फ्रॉम विटामिन्स. और इसी तरह मिनरल्स से भी 4 एमसीक्यूज हैं और हाफ एससीक्यू है. तो ये आपके पेपर का विटामिन्स एंड मिनरल काफ़ी अच्छा वेटेज जो है वो कवर कर रहे हैं. नेक्स्ट वी विल मूव टू द बुक्स कि हमें करनी है बायोकेमिस्ट्री में इन टॉपिक्स के लिए और क्या क्या चैप्टर्स हैं. विटामिन्स के लिए लिपिन कॉड बेस्ट है. लिपिन कॉड चैप्टर 28 आपने कंप्लीट करना है, ठीक है. इसके अलावा हार्पर ने चैप्टर 44 में से कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊँगी, वो आपने करने हैं. हार्पर का चैप्टर 44 आपने कम्प्लीट नहीं करना, ठीक है. के बाद है मिनरल्स. तो मिनरल्स के लिए आपने प्रेफर करना है सत्या को. सत्या का चैप्टर 18 आप कवर कर लेंगे तो वो कंप्लीट आपके मिनरल्स वाला वो कवर हो जाएगा टॉपिक. एमसीक्यूज एससीक्यूज और वाइबल क्वेश्चंस. लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों ने करना है, पहले चैप्टर 29 नहीं होता था लेकिन के पुराने एडिशन से, लेकिन अब जो है मैंने चैप्टर 29 ऐड किया है दैट्स रिलेटेड टू मिनरल्स, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं. स्पेशली डिसीज रिलेटेड जो है वो लिपिन कॉड में अच्छा लिखा हो. नेक्स्ट वी मूव टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. तो सबसे पहले इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्निशियस एनीमिया एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. ये बिल्कुल वही सिनेरियोज उसी तरह आते हैं जैसे फिजियो में इसकी इम्पोर्टेंस है. फिजियो में हम ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ते हैं यही पर्निशियस एनीमिया एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. और ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, इसका एससीक्यू आता है या फिर एमसीक्यू आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलेट ट्रैप हाइपोथेसिस. दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू फॉलिक एसिड और इसका सिनेरियो आता है प्लस ये वाइबम पूछा जाता है और एससीक्यू भी आ जाता है. यानी इसकी तीनों लिहाज से इम्पोर्टेंस है एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. Next is four reactions requiring PLP. तो इसके रिएक्शन होते हैं काफी ज्यादा, सिक्स आई थिंक रिएक्शन है. अगर सत्या में देखें तो थोड़े ज्यादा दिए हुए हैं रिएक्शन. लिपिन कॉड भी जो है 4 दिए हुए हैं. तो लिपिन कॉड क्योंकि हम उसको टेक्स्ट बुक मानते हैं, तो जितना लिपिन कॉड में दिया हुआ है ना UHS का पेपर मोस्टली उसी में से ही आते हैं, ठीक है. आपने वो अब क्वेश्चन क्या आता है ऐसे क्यों, अगर आता है तो राइट 4 रिएक्शंस रिक्वायरिंग पीएलपी, ठीक है. नेक्स्ट है वर्निक्स कोर्साकोफ सिंड्रोम एंड बेरीबेरी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू प्लस वाइवा क्वेश्चन एंड इट्स रिलेटेड टू विटामिन B1, ठीक है. इंपॉर्टेंट फिगर्स की बात करें हम तो उसमें फिगर 28.1 ये है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स. ये डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, आप उसका फ्लो चार्ट बना के रन करेंगे आपको फुल बाय फुल मार्क्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिगर है फिगर 28.2. वो डिस्कस कर रही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलिक एसिड, ठीक है. फिगर को अगर आप कॉन्सेप्ट से समझ लेंगे अच्छे से तो आपका फॉलेट ट्रैप का कॉन्सेप्ट भी इजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट है फिगर 28.3.
ये आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमियास, ये क्वेश्चन आता है जिसमें आपने ये क्लासिफिकेशन बतानी है. नेक्स्ट इज फिगर 28.5. फिगर 28.5 जो है वो रिएक्शंस बता रही है जो कि रिएक्शन में मॉडर्न इक्वल यूज होता है. ठीक है, उसके बाद है फिगर 28.7 जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी12 के बारे में. ठीक है, फिगर्स यहाँ पे नहीं मेंशन ना, जैसे 28.7 के बाद 28.19 है यहाँ पे, लेकिन बाकी फिगर्स को भी आपने देखना जरूर है. ये नहीं कि करते हैं, आपने इसको एक बार देखना जरूर है. ये जो फिगर्स मेंशन है ये एसईक्यू, वाइबा और एमसीक्यू, ठीक है, तीन पॉइंट्स से इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट जो फिगर है फिगर 28.19, दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर रिलेटेड टू विटामिन ए, और ये आपने इसी तरह कवर करनी है. ठीक है, पेपर में रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है तो आपने इन फिगर के साथ ही बनाना है. आगे ये जो काफी सारी फिगर्स है ये सारी विटामिन ए से. So, I have figure 28.23 that is related to vitamin D metabolism or absorption. Okay, aur ye UQ aa chuka hai last year 2020 ke paper mein, ye UQ aaya tha. Write the steps of vitamin D synthesis. Okay, humne steps dene the. Next is figure 28.23. ये रेगुलेशन बताती है कि विटामिन डी जो है वो कैसे एक्ट करता है, रेगुलेटरी विटामिन. अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि वाइवा में पूछते हैं बेसिकली कि व्हाई विटामिन डी इज नोन एज अ हार्मोन. ठीक है, ये इसका आंसर आपको पता होना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये सेल्फ रेगुलेटरी होता है. ठीक है, इसको हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है, प्लस ये आगे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन और दूसरे हार्मोन है तो उनको रेगुलेट करवाता है. तो फिर इसकी नेचर जो है इसकी स्टेरॉइडल नेचर है. ठीक है, तो इन रीजंस की वजह से विटामिन डी इज कंसीडर्ड अ हार्मोन. नेक्स्ट फिगर 28.26 28.27 ये बेसिकली विटामिन के से रिलेटेड फिगर्स हैं और ये बताते हैं कि विटामिन के जो है वो क्या है, कि वो प्रोटीन में हेल्प करता है. तो किस तरह करता है वो है. ठीक है, और ये फिजियोलॉजी में भी टॉपिक है, ब्लड के ब्लड में ही है कि विटामिन के जो है वो कैसे एक्ट करता है प्रोटीन में. तो जो बिल्कुल वो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ही है. ठीक है, ये दो सब्जेक्ट्स में एक ही कॉन्सेप्ट से कवर हो जाएगा. अगर आप एक सब्जेक्ट में इस कॉन्सेप्ट को ड्रिप कर लेंगे तो दूसरे में डेफिनेटली वो आपका प्लस पॉइंट होगा. इसके बाद है फिगर 28.29, दैट इज बेसिकली द समरी ऑफ दिस चैप्टर. तो ये चैप्टर आपने पूरा पढ़ के तो लास्ट पे जो समरी है उसी में पॉइंट्स ऐड कर लेने हैं ताकि आपको फाइनल प्रूफ वाले दिन पूरा चैप्टर दोबारा से ना पढ़ना पड़े. अब बेशक अगर टाइम कम है तो उसी में से आप कवर कर लें. ठीक है, समरी वाली जो लास्ट फिगर है फिगर 28.29 वो आपके कवर हो जाए, वो पूरा चैप्टर कवर कर दे. तो इस तरह से बना लें. नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन हैं जिसमें से एसीक्यू आता है, मोर देन 80% चांस है कि इनमें से आएगा एसीक्यू आता है, तो वो है विटामिन ए, डी, ई, के. ये है फैट सॉल्युबल विटामिन और विटामिन सी है वाटर सॉल्युबल. ठीक है, फिर एमसीक्यू आता है और वाइवा में पूछते हैं कि व्हाट आर वाइटामर्स. तो विटामिन ए के जो एनिमल में होती है फॉर्म्स विटामिन ए की, दैट इज रेटिनोइक एसिड, रेटिनॉल एंड रेटिनॉल, वो
उनको हम कहते हैं वाइटामर्स, और जो इसकी फॉर्म है बीटा कैरोटीन वो प्रो विटामिन कहते हैं उसे। तो ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए, वाइटामर्स एंड प्रो विटामिन। नेक्स्ट बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस, जैसा कि आपको हर टॉपिक की बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस लाजमी करनी है, तो इसकी भी बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस कंपल्सरी है। इट हैव विटामिन ए रोल इन जीन एक्सप्रेशन एंड टिश्यू डिफरेंशिएशन। ये हार्पर में मेंशन्ड है टॉपिक, वहाँ से आपने करना है। और इसके अलावा हार्पर की है फिगर 44.6, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बताते हैं कि वाइटामिन जो हैं वो एंटी ऑक्सीडेंट के तौर पर कैसे एक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारे टॉपिक्स कवर हो गए विटामिन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। नाउ वी मूव टू द मिनरल्स। तो मिनरल्स में ये जो लिस्ट मेंशन है यहाँ पे, ये है हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल्स। ठीक है, इन्हीं से बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, आप ये विटामिन बेशक आप यही सिर्फ मिनरल्स कर रहे हैं। ठीक है, अब इनको भी आपने करना है, तो उसका प्रोसीजर क्या है कि आपने कैसे इनको याद करना है। तो हर विटामिन कैरी, हर मिनरल की आपको फंक्शन और उससे रिलेटेड डिसीजेस लाजमी पता होनी चाहिए। ठीक है, और इन इस लिस्ट में से भी जो आप कंपल्सरी है वो है आयरन, जिंक, कॉपर और सिलीनियम। दे आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बाकी जो ऐसे क्यों आ चुके हैं यूएचएस में, उसको हम देख लेते हैं। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो, तो फंक्शंस ऑफ कैल्शियम, लिपिड्स, हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैलेमिया, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आयरन, तो आयरन जो है वो आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, आयरन की अब्जॉर्प्शन, स्टोरेज, एक्सक्रीशन, ठीक है, रोल ऑफ आयरन और डिसीज रिलेटेड टू आयरन, दैट इज परनीशियस एनीमिया, तो ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, सॉरी, डिसीज रिलेटेड टू आयरन है, परनीशियस एनीमिया नहीं है, दैट्स माइक्रोसाइटिक एनीमिया, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर है डिफरेंस बिटवीन हीमोसिड्रोसिस एंड हीमोक्रोमेटोसिस, ये आपको सत्या में मिल जाएगा, तो वहाँ से करेंगे। ठीक है, और नीचे ये बहुत ही मुश्किल से टर्म है, एक्टोडर्माटाइटिस एंटेरोपैथिका, लेकिन इसकी इतनी डिटेल ही पूछी जाती है, बस आपको ये पता होनी चाहिए कि दैट इज ड्यू टू डिंग जिंक डेफिशिएंसी। ठीक है, फ्लोरीन से रिलेटेड डिसीजेस पता होनी चाहिए, आयोडीन के फंक्शन प्लस इसकी डिसीजेस, एंड सेलेनियम का रोल एज एन एंटी ऑक्सीडेंट, ये भी सत्या में मेंशन है, आप वहां से कर लें। इसके साथ ही हमारी गाइडलाइन आज की विटामिन और मिनरल्स की कंप्लीट होती है। जज़ाकअल्लाह खैरन। प्लस आप इसे शेयर करें अपने फेलोज के साथ, उससे क्या होगा कि उनकी हेल्प होगी, एंड इफ यू हेल्प अदर्स देन अल्लाह विल हेल्प यू। ठीक है, जो आप दुनिया को देंगे, आप दुनिया वही जो है वो आपको वापस करती है। अगर आप दूसरों की मदद कर रहे हैं तो डेफिनेटली अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। तो इस गाइडलाइन को लाजमी, अगर आपकी हेल्प हुई है इस गाइडलाइन से, तो इसे लाजमी शेयर करें। जज़ाकअल्लाह।